और कल से ये जो मौसम चल रहा है, जो बारिश है पूरे क्लाउडी है, कल से इसमें काफ़ी राहत देखने को मिलेगी और बारिश में काफ़ी कमी देखने को मिलेगी और साथ में जो वेदर है वो साफ हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले 5 दिनों के मौसम पूर्वानुमान की। तो आज लगभग सभी इलाकों में झारखंड के हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी, साथ साथ कुछ एक इलाकों में भारी बारिश भी देखने को मिलेगी। वो हैं आपके जो पश्चिमी जो झारखंड के जो क्षेत्र हैं उससे जो सटे हुए आपके उत्तरी क्षेत्र हैं और मध्य क्षेत्र हैं, तो इन जगहों में आपको एक आध जगह पे भारी बारिश देखने को मिलेगी। और बात करें थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग की, तो आज थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग के भी इवेंट कुछ जगह देखने को मिलेंगे। कल से बारिश में काफ़ी कमी आएगी और सिर्फ थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग के ही चेतावनी कल के लिए जारी की जाती है। जो अभी जो बारिश हुई है उससे काफ़ी अच्छा अनुकूल प्रभाव पड़ा है जो मानसून की स्थिति में, और अभी तक जो एक्चुअल रेनफॉल है 1 जून से लेकर 15 सितंबर तक वो 909.8 मिलीमीटर रिकॉर्ड किया गया है, जबकि इस अवधि का जो सामान्य वर्षापात था वो 952.2 मिलीमीटर है, और जो डिपार्चर है -4% पे आ गया है और कल वो -8 था। तो काफ़ी सिग्निफिकेंट पॉजिटिव चेंज देखने को मिला है और इस बारिश से किसानों को भी काफ़ी अच्छा प्रभाव देखने को मिला है खेती में भी। तो कुल मिला के ये है कि कल से जो बारिश में कमी देखने को मिलेगी और थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के इवेंट्स एक आध जगह पे कल से देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।